हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 64 और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कर्सर्स इन जावा। इससे पहले के वीडियोस में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस पढ़ ली थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कलेक्शन और लिस्ट नाम का इंटरफेस, और हमने देखा था कि इन लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली कुछ क्लासेस हैं लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाली, या हम कहें कि कलेक्शन का जो चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली सभी क्लासेस के हमने फीचर्स को देखा था। हमने देखा था कि क्या फ़र्क होता है इन सभी क्लासेस में, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है, और जब भी हमें सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखने होते हैं, हमें कलेक्शन बनाना होता है, तो हम या तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या वेक्टर या स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इन चारों में बेसिक फर्क है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज हो रहा है, जैसे किसी में डायनेमिक एरे यूज हो रहा है, किसी में लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसमें बेसिक फर्क हो जाता है। फिर कुछ फंक्शंस में भी फर्क होता है, कैपेबिलिटीज में फर्क हो जाता है, लेकिन एक बात कॉमन है कि इन सभी ने लिस्ट इंटरफेस और कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो सारी कैपेबिलिटीज इसमें कॉमन है। अब अगर आपने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, या वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है, या स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो क्या है? वो है कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो यानी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। आपको ध्यान होगा ये ऑब्जेक्ट्स हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, यानी कोई स्टूडेंट टाइप का है, कोई बुक टाइप का है, कोई स्ट्रिंग है, कोई एम्प्लॉय टाइप का है, कोई कस्टमर टाइप का है, यानी ये अलग अलग टाइप के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ये क्या है? ये एरे लिस्ट भी हो सकता है, यानी एरे लिस्ट का ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया है, ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वेक्टर का, या स्टैक का। तो हम क्या कहेंगे कि इन चारों क्लासेस में से किसी भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आपने कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, या बोले लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और ये एलिमेंट्स भी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से मुझे डेटा को एक्सेस करना है। आपको एक बात और बहुत अच्छी तरीके से याद होगी कि इसमें सीक्वेंस प्रिजर्व रहता है, यानी जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया गया है वो ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, यानी ये पहला ऑब्जेक्ट है तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो वी कैन काउंट इट। तो हम अगर इस कलेक्शन को सीक्वेंशली एक्सेस करना चाहते हैं, इसके एक एक एलिमेंट को सीक्वेंशली एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम लूप लगाएंगे, हम एक एक वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। इसी काम को बहुत आसान तरीके से करने की फैसिलिटी देता है कर्सर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कर्सर। कर्सर क्या है? वैसे तो कर्सर एक इंटरफेस है, लेकिन जावा में कर्सर का मतलब होता है वो तरीका जिससे हम किसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को सीक्वेंशली एक्सेस कर सकते हैं। तो चाहे वो वेक्टर का ऑब्जेक्ट हो, या इन चारों में से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखे एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, ट्रैवर्स करना है, एक एक वन बाय वन, है ना, पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को, वन बाय वन, तो मुझे कर्सर की ज़रूरत है। तो कर्सर बहुत ही ईजी तरीका है, और ये ज़्यादातर यूज़ में आता है, क्योंकि हमें ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना ही होता है। तो कर्सर्स आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम कलेक्शन ऑब्जेक्ट वन बाय वन, है ना, ये इंपॉर्टेंट, वन बाय वन, है ना, पहला ऑब्जेक्ट पहले मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा। जावा में कलेक्शन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए जो कर्सर का कॉन्सेप्ट है, ये तीन तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जावा में तीन तरह के कर्सर्स होते हैं। एक कहलाता है एन्यूमरेशन, दूसरा कहलाता है इटरेटर, और तीसरा कहलाता है लिस्ट इटरेटर। अच्छा, कैपेबिलिटी वाइज भी आप समझ सकते हैं कि लिस्ट इटरेटर्स की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी एक ऑर्डर में ही समझें,
एन्यूमरेशन सबसे कम फैसिलिटी देगा, इटरेटर उससे ज़्यादा फैसिलिटीज देगा, लिस्ट इटरेटर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज देगा। एन्यूमरेशन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम इटरेटर, फिर लिस्ट इटरेटर, तो बारी बारी से एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन्यूमरेशन की। एन्यूमरेशन इज एन इंटरफेस इन जावा। तो ध्यान रखिए, जो एन्यूमरेशन इंटरफेस था ये जावा में कब एग्जिस्टेंस में आया, वर्जन नंबर 1.0 में। यानी वर्जन नंबर 1.0 यानी शुरुआत से एन्यूमरेशन अवेलेबल है। तो ये बेसिकली क्यों था, लेगेसी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। लेगेसी क्लासेस कौन सी हैं, वेक्टर है, स्टैक है, ये दोनों कैसी क्लास हैं, लेगेसी, क्योंकि ये वर्जन नंबर 1.0 से अवेलेबल है। तो इनके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ये एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो एन्यूमरेशन काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। एन ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट्स द एन्यूमरेशन इंटरफेस जनरेट्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स वन एट अ टाइम। ठीक है, तो हम कलेक्ट, ये जो एन्यूमरेशन है इसके पास एक मेथड होता है नेक्स्ट एलिमेंट नाम का। तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट नाम का मेथड है इसको हम बार बार कॉल करेंगे और एक एक करके एलिमेंट ऑब्टेन करते जाएंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करें, उससे पहले हम समझें कि ये जो एन्यूमरेशन इंटरफेस बना है वो बना कैसा है, उसकी उसकी कोडिंग कैसी हुई है। तो ये देखिए, पब्लिक इंटरफेस एन्यूमरेशन, ये जनरलाइज करने का तरीका होता है, यानी किसी भी टाइप का हो सकता है, इज एनी टाइप। तो एन्यूमरेशन, और इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं। यानी ध्यान रखिए कि एन्यूमरेशन को जिसने भी इम्प्लीमेंट किया, ये इंटरफेस है, तो जो भी क्लास एन्यूमरेशन को इम्प्लीमेंट करती है वो दो मेथड्स को तो डिफाइन करती ही करती है। एक हैज मोर एलिमेंट्स। अब मुझे अगर ये जानना है कि क्या इसमें और एलिमेंट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज करो ये वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं वेक्टर वी, और फिर लिख सकते हैं न्यू वेक्टर, है ना। तो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा और फिर उसके बाद एक एक करके हमने उसमें चीज़ें ऐड करी होंगी, ठीक है ना। एक एक हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया होगा, तो कैसे ऐड किया होगा, वी डॉट ऐड, और फिर यहाँ कुछ लिखा होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, यहाँ कुछ लिखा होगा मैंने, वो ऑब्जेक्ट पास किया होगा जो कि इसके अंदर पहुँचेगा, फिर वी डॉट ऐड, इस तरीके से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया होगा। तो ऐसे करके मैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स पास कर दूंगा, तो ये इस तरीके से वेक्टर ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एन्यूमरेशन का इस्तेमाल करना है। एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करने के लिए वेक्टर के पास एक मेथड होता है एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स फंक्शन आपने जैसे ही कॉल किया, ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, किसका, उस क्लास का जिसने एन्यूमरेशन को इंप्लीमेंट किया होगा, और वो ऑब्जेक्ट कर देगा रिटर्न। उसको मैंने किस में रख लिया, ई में। ई क्या है, ई एन्यूमरेशन टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है, गॉट इट। तो हमें क्या करना होगा, हमने जैसे ये वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स भी रख लिए हैं, तो हमें सिर्फ इतना करना होगा कि हम लिखेंगे वी डॉट, वेक्टर के पास एक फंक्शन है एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट किसका बना, उस क्लास का जिसने एन्यूमरेशन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन रख सकता है, ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल रख सकता है, मतलब ई। ई क्या है, एन्यूमरेशन का रेफरेंस वेरिएबल ई। तो ई रेफरेंस वेरिएबल है जो रिफर करेगा। अब देखिए एन्यूमरेशन इंटरफेस है तो उसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसने एन्यूमरेशन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। तो आपने इंटरफेस पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहीं से आपको पता चलेगा।
अब मेरे पास एन्यूमरेशन आ चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी हमने देखा था कि दो फंक्शंस होते हैं एन्यूमरेशन के पास, सिर्फ दो होते हैं, यानी ई डॉट लगाकर मैं सिर्फ दो ही फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ और कोई तीसरा दिमाग में मुझे मत लाइए। एक है हैज मोर एलिमेंट्स, ये फंक्शन ये बताएगा कि कलेक्शन के अंदर और एलिमेंट्स हैं क्या, तो ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स। तो मैंने एक लूप लगा लिया, व्हाइल लूप लगा लिया, और मैंने देखा कि अगर ये ट्रू आता है इसका मतलब और एलिमेंट्स अभी हैं। अब जैसे वेक्टर के अंदर ये 10 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो ये 10 बार ट्रू रिटर्न करेगा और 11वीं बार फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि आप ये लूप पे लगा रहे हो तो बार बार चलेगा ये। तो जैसे 10 एलिमेंट्स हैं, तो जब पहला एलिमेंट एक्सेस होगा तो ये बोलेगा हैज मोर एलिमेंट्स, यस, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये सिर्फ एक तरह से हम पूछ रहे हैं कि क्या कलेक्शन के अंदर और एलिमेंट्स हैं, अगर है तो क्या करना है, तो फिर मुझे वो एलिमेंट ऑप्टेन करना है। अब एलिमेंट ऑप्टेन कैसे होगा? देखिए, एलिमेंट को ऑप्टेन करने के लिए एक फंक्शन होता है नेक्स्ट एलिमेंट, वो भी ई डॉट लगाकर आप कॉल करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट। तो हैज मोर एलिमेंट तो ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर नेक्स्ट एलिमेंट वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एलिमेंट किस टाइप का है? हम जानते हैं वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोई भी क्लास टाइप के हो सकते हैं, वो सकता है और हेटरोजीनियस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो फिर मैं इससे रिटर्न हो रही वैल्यू को कंटेन करने के लिए क्या बनाऊं? तो मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एस, ठीक है, और इसमें क्या साइन करवा लिया, जो नेक्स्ट एलिमेंट फंक्शन ने रिटर्न किया। पर नेक्स्ट एलिमेंट फंक्शन ने जो रिटर्न किया है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है, तो मुझे उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा और मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग लिख दिया। ये टाइप कास्ट क्यों किया? क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट का रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि इस वेक्टर के अंदर एलिमेंट किस टाइप का। मान लो ये स्टूडेंट टाइप का होता तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता स्टूडेंट टाइप का, और अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर कस्टमर टाइप का है तो कस्टमर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वेक्टर के अंदर तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो इसीलिए एक जनरलाइज्ड रिटर्न टाइप बनाया है। तो नेक्स्ट एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो फिर हमें हमेशा इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर मैंने किया। तो इस तरीके से मैं एक एक एलिमेंट ऑप्टेन कर सकता हूं और जो चाहे उसका रिजल्ट प्रिंट करा सकता हूं। तो आइए अब इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्लास बना रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमें पहले इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इसके बाद मैंने लिखा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इसके अंदर बनाऊंगा मेन फंक्शन दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है, ओके। आप जानते हैं एरे में ये स्क्वायर ब्रैकेट एआरजीएस के आगे भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, है ना। अब यहां पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वेक्टर की कैपेसिटी इनिशियली क्या रहेगी? इनिशियली 10 रहेगी, राइट, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। अब मैंने वेक्टर के अंदर डेटा रखना है तो मैंने लिखा वी डॉट एड, एड फंक्शन भी है, एड एलिमेंट फंक्शन भी है। एड एलिमेंट के अंदर मैंने सपोज करो मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ 1, स्ट्रिंग क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, वी डॉट एड एलिमेंट, ठीक है, इसमें है 2। इसी तरीके से वी डॉट एड एलिमेंट, तो ये हमने क्या किया, हमने वेक्टर के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स रख दिए, तीनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और मैं सिंपली वी लिख देता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको चला के देखते हैं, ये मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, मैं इसको रन करता हूँ,
देखिए 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। आप कभी भी वेक्टर का या एरे लिस्ट का, लिंक्ड लिस्ट का, स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें वैल्यूज रखते हैं, तो उनको अगर एक साथ प्रिंट कराना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सीधे ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन इससे क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो रही है, मुझे वन बाय वन चाहिए। मे बी मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वन बाय वन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एन्यूमरेशन की हेल्प से ये काम करूंगा। एन्यूमरेशन, इसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ई। अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट उस क्लास का जिसने एन्यूमरेशन को इम्प्लीमेंट किया, और वो ऑब्जेक्ट किस के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, इस वेक्टर के। तो मैं वेक्टर ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन होता है एलिमेंट्स, इसको कॉल करता हूँ। अच्छा, आपको मैं ये बात बता दूँ कि ये जो एलिमेंट्स फंक्शन है ना, ये वेक्टर के पास है, स्टैक के पास है, पर लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि एन्यूमरेशन वर्जन नंबर 1.0 से अवेलेबल है और वेक्टर और स्टैक दोनों लेगेसी क्लासेस हैं, तो इनके लिए एन्यूमरेशन बना है, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट के लिए नहीं बना है। तो उसके लिए हम दूसरे कर्सर्स देखेंगे। तो एलिमेंट्स, अब क्या करना है, एक लूप लगाते हैं। लूप में ई डॉट, दो ही मेथड हम कॉल कर सकते हैं ई डॉट लगा के, एक हैज मोर एलिमेंट्स, ये रिटर्न करेगा इधर ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आया तो इसका मतलब है कि और एलिमेंट हैं, तो मैं स्ट्रिंग, देखिए मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग ई डॉट एलिमेंट, ठीक है, ये नेक्स्ट एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट ले लिया होगा। इसके बाद मैं प्रिंट करा सकता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ठीक है, प्रिंट जब करवा रहा हूं तो साथ में मैं, चलिए सिंपली प्रिंट करवा देता हूं एस, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पे जैसे मैंने प्रिंट करवाया ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता था इस पे, जैसे मुझे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सभी में मैं लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मैं चला के आपको बताता हूँ, कंपाइल किया, रन किया, देखें 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो एक एक पे मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैं एक एक की लेंथ भी प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इसको चलाऊं, देखिए सभी की लेंथ आ रही है, 1 में 3 कैरेक्टर हैं, 2 में 3 कैरेक्टर हैं, 3 में 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एन्यूमरेशन का इस्तेमाल करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर एन्यूमरेशन की अपनी कुछ लिमिटेशन है और उन्हीं का ध्यान रखते हुए हम लोग अगला कर्सर पढ़ेंगे। अगला कर्सर है इटरेटर। इटरेटर इज अवेलेबल फॉर ऑल कलेक्शन। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एन्यूमरेशन सिर्फ लेगेसी क्लासेस के लिए अवेलेबल है, जबकि इटरेटर सभी कलेक्शन क्लासेस के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक्स पर देखे, इन सब में हम इटरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फर्क तो हमें ये समझ में आया। अच्छा, ऑल कलेक्शन इंप्लीमेंटेड क्लासेस प्रोवाइड अ मेथड कॉल्ड इटरेटर। अभी जैसे आपने देखा कि वेक्टर के पास एक मेथड होता है एलिमेंट्स, जिसके द्वारा हम एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ही इटरेटर का ऑब्जेक्ट अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए भी कोई फंक्शन होना चाहिए। अब ये एलिमेंट्स फंक्शन मैंने कहा था कि केवल वेक्टर और स्टैक के पास है, लिंक्ड लिस्ट एरे लिस्ट के पास नहीं है, इसलिए एन्यूमरेशन का इस्तेमाल सिर्फ वेक्टर स्टैक के लिए कर सकते हैं। लेकिन इटरेटर का इस्तेमाल हम इन चारों क्लासेस के लिए कर सकते हैं। तो फिर इटरेटर ऑब्टेन करने के लिए जो फंक्शन चाहिए वो इन चारों क्लासेस में है, और वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन है इटरेटर, ठीक है। ये जो इटरेटर फंक्शन है ये रिटर्न करके देगा इटरेटर का ऑब्जेक्ट। अब इटरेटर भी इंटरफेस है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा जिसने इटरेटर को इंप्लीमेंट किया होगा। इटरेटर इंटरफेस में
वो सब कुछ है जो एन्यूमरेटर में था, एन्यूमरेशन में था। लेकिन एन्यूमरेशन क्योंकि लेगेसी क्लासेस के लिए वर्जन 1.0 से बना हुआ है, तो उसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है वो थोड़े अलग हैं, और इटरेटर में नेमिंग कन्वेंशन अलग है क्योंकि इटरेटर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इटरेटर में क्या हुआ कि जैसे हमने पढ़ा था एन्यूमरेशन में एक फंक्शन था हैज़ मोर एलिमेंट्स, जो ये बताता था कि और एलिमेंट्स हैं क्या कलेक्शन में, वैसे यहाँ पर भी वही फंक्शन है, बस उसका नाम चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया हैज नेक्स्ट। अब आप लोगों ने क्लासेस पढ़ी होंगी, स्कैनर क्लास पढ़ी होगी, स्कैनर क्लास में आपने ये सारे मेथड्स पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसी मेथड है। तो हैज नेक्स्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अब देखिए मैंने पब्लिक आपको समझाने के लिए लिख दिया है, बाकी यहाँ पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक ही होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप समझिए कि इटरेटर इंटरफेस में एक तो हैज नेक्स्ट मेथड है जो बताएगा कि आगे और एलिमेंट हैं क्या, और नेक्स्ट वो फंक्शन है, मेथड है जो आपको वो एलिमेंट निकाल के देगा। अब ये बिल्कुल वही है जैसे नेक्स्ट एलिमेंट फंक्शन हमने देखा था एन्यूमरेशन में, वही यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन। तो नाम छोटे हो गए, लेकिन एक और फंक्शन इसके अंदर है रिमूव, तो हम चाहें तो किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज एन्यूमरेशन में नहीं थी, तो एन्यूमरेशन के मुकाबले इटरेटर की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो दो बड़े डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, एन्यूमरेशन केवल लेगेसी क्लासेस के लिए होता है, जबकि इटरेटर लिस्ट की या कलेक्शन की सभी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस में अवेलेबल होता है। दूसरा फर्क, इसमें एक रिमूव मेथड भी होता है, बाकी दोनों फंक्शंस तो एन्यूमरेशन में भी थे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मैं बना के आपको बताता हूँ। तो अभी जो अपन प्रोग्राम बना रहे थे उसी में चेंजेस कर देते हैं। इस बार हम चेंजेस ये करते हैं कि यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले तो ये सारा का सारा कोड जो है ये हटा देता हूँ, ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं। अब मैं यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा कि ये चारों ही क्लासेस में इटरेटर यूज कर सकते हैं। वेक्टर का एक एग्जांपल हम देख चुके हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए अब एरे लिस्ट को देखते हैं। एरे लिस्ट में हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट और रेफरेंस वेरिएबल का नाम एल रख लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, एरे लिस्ट में डेटा रखने के लिए हम लिखते हैं ए एल डॉट एड, और इसमें कुछ डेटा रख देते हैं, जैसे अगर मुझे नंबर्स रखने हैं और मान लीजिए 10 नंबर्स रखने हैं, तो मैं एक लूप लगा के भी ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इंट आई असाइन 0, ना 0 या 1 से कर देता हूँ, 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, तो ये 10 बार चलेगा लूप, और इसमें मैं आई असाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये इंटीजर वैल्यूज, 10 इंटीजर वैल्यूज ऐड के अंदर चल जाएंगे, और हम जानते हैं कि ये प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए होता नहीं है, लेकिन हमने जब प्रिमिटिव वैल्यू रखी है तो उसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर एक रैपर क्लास है। तो एरे लिस्ट के अंदर क्या आ चुके हैं, इंटीजर क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, और अगर मैं एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहूँ, तो लूप के बाद मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया ए एल, तो ये सारी वैल्यूज को प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, एक बार करके देखें इतना। सबसे पहले मैंने कंपाइल किया और फिर रन किया, देखिए आप 1 से 10 तक वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इटरेटर की मदद से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इटरेटर की मदद से कैसे, तो इटरेटर का मैंने क्या बना लिया, रेफरेंस वेरिएबल। इसका ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्टेन करूंगा, एल के पास यानी एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है इटरेटर, ये क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। इसके बाद अब मैं लूप लगाता हूँ, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा इटरेटर के ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन सा फंक्शन, तीन ही फंक्शंस हैं जो कॉल कर सकते हैं, एक तो हैज नेक्स्ट, एक नेक्स्ट और एक रिमूव। हमने तीन फंक्शंस यहाँ देखे थे, तीन ही फंक्शंस हैं जिनको हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, हैज नेक्स्ट,
जो ये बताएगा कि आगे और एलिमेंट इस कलेक्शन में हैं या नहीं। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कलेक्शन में एलिमेंट्स हैं। ओके, अब अगर एलिमेंट है तो क्या करना है, मुझे वो एलिमेंट चाहिए, कैसे मिलेगा, नेक्स्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये एलिमेंट किस टाइप का है, इंटीजर, तो मैं इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से कैपिटल आई, ये रेफरेंस वेरिएबल, और ऑब्वियसली टाइप कास्ट यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर टाइप में मैंने इसको कास्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं जैसे एन्यूमरेशन यूज करते थे वैसे ही यूज कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एक एक एलिमेंट को देखना है। देखिए, मुझे रिमूव फंक्शन भी यूज करके आपको बताना है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें रिमूव फंक्शन भी यूज हो। तो जैसे मैंने लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन 3 एंड आई इज लेस देन 8, मतलब आई की वैल्यू 3 से बड़ी, यानी 4, 5, 6, 7 और 8 से छोटी, यानी 3, 4 से लेकर 7 तक, इस रेंज में अगर आई की वैल्यू रहती है तो मुझे क्या करना है, मुझे आई की वैल्यूज को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं ई डॉट, है ना, सॉरी ई मैंने क्यों लिखा हुआ है, ई यहां पे भी नहीं लिखना था मेरे को, एनिमरेशन दिमाग में चल रहा था, 8, ये भी 8, ये तो है ही नहीं ना अभी, 8 डॉट। अब मुझे क्या करना है, रिमूव रिमूव। तो देखिए, ये जो इटरेटर है ना, इसके पास तीन ही मेथड्स थे, एक हैज नेक्स्ट जिसको हमने यहाँ यूज किया, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, एक नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑब्टेन करने के लिए है, और फिर रिमूव जो उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा जो अभी आपने जस्ट निकाला है। गॉट इट। अब कौन कौन से एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएगा 4, 5, 6, 7, क्योंकि उसी केस में ये कंडीशन ट्रू है। अब जब ये लूप एंड होगा ना, तो इसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें फिर से मैं लिख देता हूँ एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो आपको ध्यान है, पहले भी मैंने ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाए थे और अभी फिर करवा रहा हूँ, लेकिन अब जो एलिमेंट्स होंगे कुछ कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ रिमूव कर दिए मैंने। तो देखें इसको चला के, तो देखिए मैं इससे पहले मैंने चलाया था तो आप देख सकते हैं 10 वैल्यू प्रिंट हुई थी। अभी मैंने फिर से कंपाइल किया, फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ, आप देखिए पहले ये वाला चला है ना, तो इसने तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, ये 1 से 10। उसके बाद कौन से रिमूव हो गए, देखिए 4, 5, 6, 7 रिमूव हो गए। गॉट इट। तो इस तरीके से आप इटरेटर को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इटरेटर की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, एन्यूमरेटर एन्यूमरेशन की भी लिमिटेशन है, दोनों ही सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब सोच के देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक एक करके मैं एलिमेंट को एक्सेस करता जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेस करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जब आईटी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं तो ये अगले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, पर मुझे पिछले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये है इसकी लिमिटेशन। तो दोनों ही एनिमरेशन में भी और इटरेटर में भी सिंगल डायरेक्शन में ही कर्सर मूव करता है, यानी शुरू से आखिरी तक एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता है, बैकवर्ड नहीं आ सकता। तो ये पहली लिमिटेशन। दूसरा, इसमें या तो आप एलिमेंट को रीड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। रिमूव भी एन्यूमरेशन में तो फैसिलिटी है नहीं, इटरेटर में है। ठीक है, तो या तो आप रीड कर सकते हो नेक्स्ट मेथड से या नेक्स्ट एलिमेंट मेथड से, और या फिर आप रिमूव कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है। इसके अलावा भी आप अगर नए एलिमेंट उसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे आप रिमूव तो कर सकते हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं एक नया एलिमेंट बीच में जोड़ दूँ, तो मैं नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। तो एन्यूमरेशन और इटरेटर की कैपेबिलिटी नहीं है नया एलिमेंट ऐड करने की। और अगर किसी एलिमेंट को मुझे रिप्लेस करना है, देखो आप रिमूव तो कर सकते हो, आपने सोचा कि एलिमेंट को रिमूव करना है कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो 4 की जगह 44 हो जाए, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो ऐसा मैं नहीं कर सकता अगर मैं इटरेटर का या एन्यूमरेशन का यूज कर रहा हूं।
तो इन कमियों को पूरा करने के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर में इटरेटर की तो सारी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि ये इटरेटर का ही चाइल्ड इंटरफेस है। तो लिस्ट इटरेटर में क्या क्या चीजें होंगी? हैज नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट भी होगा और रिमूव भी होगा, क्योंकि इसके पास इटरेटर की सारी फैसिलिटीज होंगी। लेकिन इसके पास कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी होंगी, जिसके कारण ये बाईडायरेक्शनल कर्सर, तो अभी तक जो दोनों कर्सर पड़े थे वो यूनिडायरेक्शनल थे, एक ही डायरेक्शन में जाते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप पहला एलिमेंट एक्सेस करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आगे ही बढ़ते थे। अभी इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे भी आ सकते हैं। तो बाईडायरेक्शनल कर्सर है। ऑल लिस्ट एलिमेंट लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस प्रोवाइड अ मेथड कॉल्ड लिस्ट इटरेटर। तो जितनी भी लिस्ट को इंप्लीमेंट करने वाली क्लासेस हैं, यानी ये चार, इन चारों के पास क्या है, एक लिस्ट इटरेटर नाम का फंक्शन। जैसे आपने देखा कि अगर आपको एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं एलिमेंट्स, राइट। तो ये आपको क्या देता है, एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट। तो इसलिए आप एन्यूमरेशन का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको इटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या लिखते हैं, इटरेटर। तो ये आपको क्या देता है, इटरेटर का ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, आपने इटरेटर का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। ऐसे ही अगर आपको लिस्ट इटरेटर चाहिए, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए इस बार लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एल, तो इन चारों के ही पास, किसी का भी ऑब्जेक्ट बना लें, चारों के ही पास एक फंक्शन होता है लिस्ट इटरेटर, गॉट इट। और ये LIT नाम का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। तो आपको समझ में आ गया तीनों तरह के कर्सर को कैसे ऑप्टेन किया जाता है। तो लिस्ट इटरेटर, अब लिस्ट इटरेटर के पास क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट इटरेटर इंटरफेस के अंदर, ये पब्लिक मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरफेस आप नहीं बना रहे, पहले से बना हुआ है। और इंटरफेस के अंदर मेथड्स को पब्लिक लिखना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव, ये तीन वो फंक्शंस हैं जो पहले से लिस्ट इटरेटर को इटरेटर इंटरफेस के कारण मिल चुके हैं, क्योंकि उसका चाइल्ड इंटरफेस है। तो प्रैक्टिकली इसके अंदर ये नहीं बने होंगे, पर क्योंकि लिस्ट इटरेटर चाइल्ड इंटरफेस है इसलिए इसके पास है। इसके अलावा जैसे आप को नेक्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, देखिए आपको नेक्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप क्या करते हो, अगर नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आप नेक्स्ट को कॉल करते हो, तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। इसी तरीके से एक फंक्शन है प्रीवियस, तो ये आपको पिछली वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास एक फंक्शन होता हैज नेक्स्ट, जो क्या बताता है कि आगे एलिमेंट है क्या। इसी तरीके से हैज प्रीवियस, जो क्या बताएगा, पीछे एलिमेंट है क्या, ठीक है ना, एक पहले एलिमेंट है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया बाईडायरेक्शनल क्यों है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि नेक्स्ट इंडेक्स, मतलब अगले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है, पोजीशन नंबर। और प्रीवियस इंडेक्स, तो पिछले वाले का इंडेक्स क्या है, तो इससे मुझे इंडेक्स पता चल जाता है, इंडेक्स नंबर यानी काउंटिंग नंबर। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1, इस तरीके से तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ पाती है कि अभी मैं किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट को, ऐड करने के लिए सिंपल फंक्शन है ऐड। और अगर मुझे रिप्लेस करना है तो फंक्शन का नाम रिप्लेस नहीं है, फंक्शन का नाम है सेट, सेट फंक्शन की मदद से मैं एलिमेंट सेट कर सकता हूँ। तो आइए अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो अभी इसी को मैं पहले मिटा देता हूँ और एक बार फिर से कोडिंग करता हूँ, क्योंकि हमने वेक्टर को भी इंप्लीमेंट कर लिया है, वेक्टर का भी एक एग्जाम्पल देख लिया है, एरे लिस्ट का भी एग्जाम्पल देख लिया है, तो अब हम लिंक्ड लिस्ट का देख रहे हैं। तो लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट क्लास का एक रेफरेंस बनाया मैंने एल, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक।
अब मुझे लिंक लिस्ट के अंदर डेटा रखना है, तो मैं एल डॉट एड मैं इसमें रख लेता हूँ अगेन वन, या कुछ अलग रखता हूँ, सी सी रख लेता हूँ, फिर एल डॉट एड सी पी पी, एल डॉट एड जावा, एल डॉट एड पी एच पी। इस तरीके से मैंने कुछ स्ट्रिंग्स इसके अंदर रख दिए। अभी अगर प्रिंट करवा के देखें तो सिस्टम डॉट डॉट एक और डॉट प्रिंट है, और इसमें क्या प्रिंट करा दूं, एल की वैल्यू। अभी सिर्फ इतना ही लिखता हूं, मैंने एक लिंक्ड लिस्ट बनाई, उसमें कुछ एलिमेंट्स रखे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। तो फिर से कंपाइल करते हैं, फिर रन किया, देखिए चारों स्ट्रिंग्स ही प्रिंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट इटरेटर, तो मैंने लिखा लिस्ट इटरेटर, वेरिएबल का नाम एलआईटी, और लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करता हूं लिस्ट इटरेटर मेथड को, जो मुझे लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट देगा। जब तक lit डॉट कौन सा फंक्शन हैज नेक्स्ट, जब तक इसमें एलिमेंट्स हैं तब तक ही चलेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा। अगले एलिमेंट को अगर मुझे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, lit डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये एलिमेंट मुझे मिलेगा, लेकिन इस एलिमेंट को मैं किस में रखूंगा, स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग एस और टाइप कास्ट, तो ये कहानी तो बिल्कुल सेम। अब यदि एल आई टी डॉट, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, जो एलिमेंट है अगर उसमें वैल्यू रखी है जावा, तो मैं उसको जावा एस ई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी जो भी एलिमेंट हमने निकाला है वो किस में रख लिया, एस में रख लिया ना, तो हम देखते हैं एस डॉट इक्वल्स, अब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसके पास इक्वल्स मेथड होता है, अगर ये है जावा, आप जानते हैं कि हाँ ऐसा होगा क्योंकि तीसरा एलिमेंट जो है उसमें जावा है ना, तो ये कंडीशन तीसरी बार में ट्रू हो जाएगी, और जब ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस कैसे होगा, एल आई टी डॉट सेट, रिप्लेस करने के लिए फंक्शन है सेट, और इस जगह पे लिख दूंगा जावा एस ई। तो अब होगा ये कि ये जो तीसरी वैल्यू थी जावा, वो जावा की जगह हो जाएगी जावा एस ई, गॉट इट, ओके। इसी तरीके से एल्स इफ एस डॉट इक्वल्स सी है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, और नया एलिमेंट होगा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है डीएस। तो ये कहां ऐड हो जाएगा, सी के जस्ट बाद, ठीक है, ओके। और क्या फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एल्स अब मान लीजिए कि मुझे इफ एस डॉट इक्वल्स पीएचपी मिलता है, स्ट्रिंग क्या मिलती है पीएचपी, तो मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा एल आई टी डॉट रिमूव, तो ये मेथड तो है ही इसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूं, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, और लिस्ट प्रिंट करा देता हूं, कंपाइल रन।
तो देखिए चेंजेस कर दिए हमने, एक तो पीएचपी को तो रिमूव कर दिया था, सी के बाद मैंने डीएस इंसर्ट कर दिया था, तो ये डीएस दिख रहा है, जावा को जावा एसई बना दिया। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो एट लास्ट अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि एन्यूमरेशन और इटरेटर दोनों सिंगल डायरेक्शन में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, राइट, जबकि लिस्ट इटरेटर बाई डायरेक्शनल एक्सेस किया जा सकता है, बाई डायरेक्शनल। तो ऑब्वियसली कैपेबिलिटी वाइज एन्यूमरेशन में दो ही मेथड्स हैं, इटरेटर में तीन मेथड है, तीसरा मेथड रिमूव है, और लिस्ट इटरेटर में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकने के लिए मेथड्स हैं, रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए भी मेथड्स हैं। तो लिस्ट इटरेटर ज़्यादा पावरफुल हो गया। हर वो क्लास जिसने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया उसके पास लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करने के लिए फंक्शन होगा लिस्ट इटरेटर, ठीक है। कलेक्शन इंटरफेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस भी क्लास ने इंप्लीमेंट किया है उसके पास इटरेटर नाम का एक फंक्शन होगा जिससे इटरेटर का ऑब्जेक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा एन्यूमरेशन क्योंकि लेगेसी क्लासेस के लिए है तो केवल वेक्टर और स्टैक क्लास में एक फंक्शन होगा एलिमेंट्स, और ये आपको रिटर्न करके देगा एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट, है ना, एन्यूमरेशन जिस क्लास ने इंप्लीमेंट किया उसका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ फर्क इन तीनों में है। कैपेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा पॉइंट्स अगर हम देना चाहें तो सबसे ज्यादा पॉइंट हम दे रहे हैं लिस्ट इटरेटर को, उससे कम पॉइंट हम दे रहे हैं इटरेटर को, और सबसे कम पॉइंट दे रहे हैं हम एन्यूमरेशन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको और भी कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, सभी के वीडियो लेक्चर्स देखकर आप उन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब कुछ फ्री है और हिंदी में, यदि आपको साइट पसंद आए, क्योंकि उसमें कोर्सेज के अलावा और भी बहुत सारा काम का स्टफ है जो कैंपस प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। तो यदि पसंद आती है आपको साइट तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम की हो सकती है, उन तक ये पहुँचे। थैंक यू।